सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनु स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप लोगों को प्रोजेक्ट कार्य का टास्क मिला था जो कि 6 मई से लेकर के आपको 11 मई तक कंप्लीट करना था और आज लास्ट डेट था। और उम्मीद करती हूँ कि आज आप सभी लोगों ने अपने अपने कॉलेज में अपना अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया होगा, यानी कि आप सभी लोगों ने उसको किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आपने उसको भेज दिया होगा अपने कॉलेज तक। अब कॉलेज के लोग डायट को भेजेंगे और डायट उसमें से जो सबसे बेस्ट 5 प्रोजेक्ट होंगे उनको वो SCERT को भेजेगा। अब देखिए, जैसे ही आप लोगों ने कंप्लीट किया, अब आपको दूसरा टास्क मिल गया। आज की डेट आप देख सकते हो 11 मई 2020 है और SCERT की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर फिर से विषय क्या है, DLED प्रशिक्षु हेतु प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में, यानी कि अभी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, फिर से आपको नया प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर करने को मिल गया। अब इसमें क्या करना है आपको, चलिए दिखाते हैं हम क्या क्या आपको करना है। देखिए, सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में इस बार आपको मैथ का बनाना है और किसका बनाना है, SST का बनाना है, सामाजिक अध्ययन का बनाना है। तो सबसे पहले मैथ्स में आपको क्या क्या विषय मिले हैं ये आप देख लीजिए। और दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, आपको 6 दिन का टाइम मिला था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर आपको 13 तारीख यानी कि 13 मई से लेकर के 19 मई तक आपको समय मिलेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो आपके पास समय है, आपको हम लोग हर एक तरीके से गाइड करेंगे क्योंकि लगातार हम लोग आपको हर एक विषय को पढ़ाते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जो भी समस्याएं आती हैं लगातार उसका भी समाधान हम लोग देते रहते हैं और आपकी जहां पर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है हम लोग लगातार वीडियो के माध्यम से आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। बस दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाएंगे और DLED में तो लगातार हम आपका ऐसे ही साथ देते रहेंगे और लगातार आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आते ही रहेंगे। दोस्तों, पिछले प्रोजेक्ट कार्य में हम लोगों ने पूरी तरीके से आप लोग का जितना मदद हो सकता था उतना मदद किया और आप लोगों ने भी बहुत सराहनीय कार्य किया। जितने लोगों ने भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे उन सभी का ऑलरेडी मैंने दिखाया भी है अपने चैनल पर। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब जो सेकेंड सेमेस्टर में गणित में आपको क्या बनाना है, आगमन विधि तथा निगमन विधि की समझ विकसित करने के लिए गतिविधि मॉडल और सामग्री बनाना है। बहुत आसान है दोस्तों, बन जाएगा। फिर देखिए, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु सामग्री बनाना। इसके साथ ही साथ क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना स्पष्ट करने हेतु मॉडल सामग्री बनाना। कक्षा 5 के बच्चों के लिए गणित के 5 खेल बनाना। ये आपको 5 यहाँ पर 4 टास्क मिले हैं आपको गणित में। अब इसके बाद सामाजिक अध्ययन में क्या मिला है, भ्रामक सूचनाओं के प्रसार एवं उनके परिणाम पर रिपोर्ट तैयार करना। इन्हीं 10 वस्तुओं के 10 वर्ष पूर्व व वर्तमान में हुए मूल्य परिवर्तन पर PPT चार्ट तैयार करना। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सूची बनाकर उनके उद्गम स्थान व उनके द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर प्रोजेक्ट तैयार करना। चौथा पॉइंट है, खाद्य सामग्री में मिलावट व घट तोली पर कहानी, लेख या वीडियो क्लिप तैयार करना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, इन सभी पर आपको बनाना है प्रोजेक्ट। अब बात कर लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं की। फोर्थ सेमेस्टर में आपको अंग्रेजी में मिला है टास्क, यानी कि आपको इंग्लिश विषय में क्या क्या करना है, डेवलप 10 गेम्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद है, टेक 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज हेडलाइंस विथ डिटेल्स एंड फाइंड आउट आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, वर्ड्स, एडजेक्टिव्स विथ देयर काइंड्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, टेंस, इडियम एंड फ्रेजेस यूज्ड इन द न्यूज। इसके बाद है, ड्रा पिक्चर स्टोरी फॉर क्लास 2 एंड राइट द रिलेटेड स्टोरी, मेक एन ऑडियो मैक्सिमम 3-5 मिनट्स ऑन प्रोनंसिएशन। इसके बाद है दूसरा आपका जो विषय, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में 1 या 2 अध्यापकों वाले विद्यालयों के लिए समय सारणी एवं कक्षा व्यवस्था, 3 या 4 अध्यापकों वाले विद्यालयों के लिए समय सारणी एवं कक्षा व्यवस्था। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय विकास योजना बनाना, कक्षा प्रबंधन के अंगों एवं योजना पर PPT चार्ट तैयार करना। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, प्रशिक्षुओं को प्रत्येक विषय का एक प्रोजेक्ट तैयार कर व्हाट्सएप या ईमेल द्वारा दिनांक 19/5/2020 तक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को उपलब्ध कराने हेतु अवगत करा दिया जाए। इसे आंतरिक मूल्यांकन के समय संबंधित संकाय सदस्य द्वारा देखा जाएगा। प्रशिक्षुओं द्वारा डायट को प्रेषित प्रोजेक्ट में से प्रत्येक विषय के 5 श्रेष्ठ चयनित प्रोजेक्ट दिनांक 21 मई 2020 तक डायट द्वारा SCERT को ईमेल
उपलब्ध कराने का कष्ट करें, यानी कि जो ईमेल यहाँ पर दिया गया है इस पर सभी डाइट्स को भेजना है। और यहाँ पर क्या लिखा, प्रोजेक्ट आदि घर पर उपलब्ध सामग्री से ही बनाएं, यानी कि आप जैसे सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारी चीजें नहीं अवेलेबल है मार्केट में, आप मार्केट नहीं जा सकते हो, घर से बाहर नहीं निकलना है, तो जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध है आपके घर में आपको उन्हीं चीजों से प्रोजेक्ट कार्य करना है। और कैसे करना है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने जो पहले मैंने प्रोजेक्ट बनवाया है उसमें ऑलरेडी सब कुछ बताया है, और फिर से यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लोग सब कुछ दोबारा भी बताएंगे और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही सभी वीडियोस को लेकर के आते रहेंगे। और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि लगातार हम लोग आपके साथ हर एक प्रोजेक्ट को बढ़िया बनाएंगे और वीडियो के माध्यम से उसको आपको हम जरूर दिखाएंगे। बस आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। और आपको सभी वीडियोज का दोस्तों, जैसा कि आपको सभी पता है कि ऑलरेडी सभी वीडियोज की पीडीएफ हम देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7705-9545-49, इस पर आप मैसेज करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये पूरा आज का ये प्रपत्र था, और आपने देखा होगा और अच्छे से समझा होगा कि क्या क्या चीजें इसमें दी हुई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बार प्रोजेक्ट कार्य बना लिया है तो दोबारा आपको आसानी होगी समझने में भी। और लगातार हम आपके साथ ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और पूरा प्रोजेक्ट हम बना लेंगे, जब तक आप लोग को सबमिट करना होगा उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग भी आराम से पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों आगे चल करके मैं सभी विषयों पर आपके एक एक पॉइंट्स पर अच्छे से आपको प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगी और कैसे आपको बनाना है इसके बारे में भी बताऊंगी। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।